क्लास तो हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यूज पढ़े थे 0, 30, 60, 45 का है ना, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रिक उरी का ना अगर कोई यूट्यूब पे देखिए बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन वो सब फालतू का, ऐसे ही देखने में मजा आएगा लेकिन वो सब कोई काम का नहीं है। वैल्यू आप लोग को खुद याद कर लेना है ना, जैसे याद कीजिए, कोई दवाई हुआ है मार्केट में उसका है नहीं याद करने का, पता ना दिख रहा है कहाँ बढ़िया से। तो देखिए चलिए अब आज कुछ हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। जो वैल्यू निकालना है ना उसको ज्योमेट्रिकली भी निकालना रहता है, तो ज्योमेट्रिकली भी हम बताएंगे, लेकिन पहले अब देखिए कुछ ध्यान से बात समझिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, एक हम समझा रहे हैं साइन वाला, बाकी सब आप लोग खुद से समझ लीजिएगा। साइन 30 डिग्री तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, जिसको डेसिमल में बदलिएगा तो 0.5 होगा, 2 से भाग कीजिए इसको 0.5 होगा। साइन 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब √2 तो √2 समझते हैं, अरे √2 का मतलब √2, तो 2 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 1, तो ऐसे ही कीजिएगा 1.74। एक डिजिट तक हम लिए हैं, ये इरेशनल नंबर है, इसका ना तो रूट कभी निकलेगा पूरा और ना तो ये कभी रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल। तो √2 का हम अप्रोक्स वैल्यू ले लिए हैं एक डिजिट तक, तो 1.4, पॉइंट हटा दिए तो ऊपर 10 आया, तो 10/14 भाग करिए इसको, 14 × 7 = 98, ये 0.7 होगा। ध्यान दीजिएगा ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स का सिंबल ऐसे होता है, इक्वल नहीं टेढ़ा, लगभग मतलब इतना से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, बस बात खत्म। साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसी तरह √3 का वैल्यू लीजिएगा 1.7 होगा अप्रोक्स वैल्यू, तो ये इसको भाग करिए 8 × 16 0.8 होगा, 0.8 होगा अप्रोक्स, नहीं तो ज्यादा ही होगा। और साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है एक्यूरेट। अब ध्यान से समझिए ये सब वैल्यू हम कहा बताएं, साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, साइन 30 क्या है 0.5, साइन 45 0.7, साइन 60 0.8 और साइन 90 1। तो ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू बढ़ा है कि घटा है, 0 से बड़ा ना है 0.5, 0.5 से बड़ा है 0.7, 0.7 से बड़ा है 0.8, तनिए मानी बड़ा है लेकिन है ना, और 0.8 से बड़ा है 1। तो साइन में ये जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ध्यान से समझिए, एंगल 0 से हो गया 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो एंगल जैसे जैसे बढ़ा है वैल्यू भी क्या हुआ है बढ़ा है। तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आप लोग को, बताइए साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तब सोचिएगा कि हमको तो 20 डिग्री पढ़ना ही नहीं है, 40 डिग्री तो पढ़ना ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। साइन में वैल्यू एंगल अगर बड़का हो रहा, देखिए एंगल 0 से 30 हुआ तो वैल्यू बड़का हुआ, 30 से 45 हुआ तो फिर वैल्यू बढ़ा ना, तो साइन में अगर एंगल बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा ये जो बता रहे हैं वो लिमिटेड है 90 तक ही, 90 के बाद फिर बढ़ता है तो कहीं घटता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा वो तो बात की बात है, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही लिमिट है, हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक का रेंज होता है। तो हम जो प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही लिमिट रहेगा 90 डिग्री तक। तो साइन में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे 0 से 90 के तरफ वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो साइन 20 और साइन 40 में एंगल इसका ज़्यादा है, देखिए यहाँ एंगल 20 डिग्री है और यहाँ एंगल 40 डिग्री है, तो साइन 40 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होगा, कितना होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, इसके लिए टेबल देखना पड़ता है, वो ट्रिगोनमेट्रिक टेबल रहता है जिसका कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। साइन 10 डिग्री है और साइन 11 डिग्री है, तो साइन 10 डिग्री या साइन 11 डिग्री किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ एंगल 10 डिग्री है और यहाँ एंगल 11 डिग्री है, तो साइन में अगर एंगल ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा होगा, इस समझाने का तरीका था। तो अब जरा यहीं से लॉजिकली सोचिए कॉस का क्या होगा, तो कॉस में बताए थे ना कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस वाला में घटेगा, साइन का समझाए ना हम, कॉस का टेबल क्या था, साइन का उल्टा था ना,
ऐसे समझिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 था, कॉस 30 का वैल्यू था √3/2, तो इसका अप्रोक्स वैल्यू अभी निकाले ना 0.8 है, कॉस 45 1/√2, तो इसका अप्रोक्स वैल्यू अभी निकाले ना 0.7 है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो इसका तो 0.5 हुआ, और कॉस 90 0 हुआ। तो देखिए कॉस में एंगल बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू देखिए 1 से कम हो गया 0.8, उससे कम हो गया 0.7, उससे कम 0.5। तो कॉस में अगर एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, तो बताइए कॉस 47 डिग्री है और कॉस 20 डिग्री है, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, कॉस 47 डिग्री के वैल्यू ज़्यादा होगा कि कॉस 20 डिग्री के ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ कॉस में एंगल 47 बड़का है और यहाँ एंगल 20 छोटा है, तो कॉस में अगर एंगल बड़का होगा तो उसका वैल्यू छोटा होगा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उस तरफ मुंह कर देना है, 20 बड़ा है ना, चूंकि कॉस है, कॉस में एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटा, ध्यान रखिएगा कॉस में अगर एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होगा, साइन में अगर वैल्यू बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। और ये बताए ना, बार बार बोलते जा रहे हैं हम, ये 90 तक ही हम लोग को पढ़ना है और 90 तक का ही हम बता रहे हैं, 90 के बाद कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो सब आगे अपना पढ़ते रहिएगा, 11 क्लास में पढ़ना है, 11 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री बहुत पढ़ना है, मेन ट्रिगोनोमेट्री 11 क्लास में पढ़ना है, 10th में तो बेसिक पढ़ना ही है लेकिन उसका पूरा 11th में पढ़ना है, समझे ना। टेन का आइए, देखिए टेन समझ लीजिए, टेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, टेन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, टेन 30, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, तो √3 1.7 बताए ना, 10/17 तो 17 5 85, 0.5 के अप्रोक्स आएगा, कुछ भी है दम हम कम से कम लिए हैं, अप्रोक्स लेके जा रहा है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है 1.7 अप्रोक्स, और टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, टेन 90 नॉट डिफाइंड बताए थे ना, साइन 90 बाई कॉस 90, तो साइन 90 तो 1 था, कॉस 90 0 हो गया था, तो बात समझिए, टेन में देखिए एंगल बढ़ा ना 30 45 60 90, अब वैल्यू देखिए 1 से बढ़ के कितना हो गया 0.5, 0.5 से बढ़ा तो 1, 1 से बढ़ गया 1.7, तो टेन में एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। अभी नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बहुत बड़ा वैल्यू, समझ लीजिए नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बहुत बड़ा वैल्यू जिसको कैलकुलेट करना नहीं पॉसिबल है, समझिए ध्यान से, 1 के नीचे 0.1 लिखें, 0.0001 लिखें, देखिए इसका मतलब क्या हुआ 10 हुआ, इसका मतलब 1 2 3 4 5, समझिएगा बात जो हम समझाना चाह रहे हैं, 0.1 लिखे तो 10, 1 के नीचे ही लिखे तो ये हो गया कितना 100,000 हो गया, अच्छा ये 0.1 है, 0.00001 है, तो ध्यान से समझिए, 1 के नीचे छोटा नंबर रखिए, बात समझिएगा ध्यान से, 1 के नीचे हम बहुत छोटा नंबर लिख रहे हैं, बहुत छोटा नंबर समझ रहे हैं 0.00000001, तो हम 1 के नीचे बहुत छोटा नंबर रख रहे हैं, बहुत छोटा, तो इसका वैल्यू समझ रहे हैं आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो 10 मिला, यहाँ 100,000 मिला, यहाँ समझ रहे हैं बहुत छोटा रखिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, समझे बात है, 1 के नीचे जितने छोटा से छोटा नंबर रखिएगा वैल्यू आपको उतना ही बड़ा से बड़ा मिलेगा। तो कहाँ किए हम कि 1 के नीचे एकदम इतना छोटा रख दिए, इतना छोटा नंबर रख दिए जो करीब करीब 0 हो गया, ध्यान से समझिए, 1 के नीचे हम इतना छोटा नंबर रख दिए, इतना छोटा जो लगभग 0 हो गया, तो जब इतना छोटा रखे जो लगभग 0 हो गया तो आपको इतना बड़का वैल्यू, इतना बड़का वैल्यू मिला जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, डेट मीन्स नॉट डिफाइंड, तो ऐसे ही दिमाग में घुसा लेना है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बहुत बड़ा वैल्यू, फिर से समझ लीजिए, 1 के नीचे 0.1 रखे तो 10, 0.01 रखिए तो 100, 0.01 रखिए तो 1,000, तो आप 1 के नीचे छोटा वैल्यू रखते जाइए, छोटा से भी छोटा तो वैल्यू आपको जो मिलते जाएगा वो बड़ा से भी बड़ा मिलेगा। तो हम कहा किए कि 1 के नीचे इतना छोटा नंबर रखे, इतना छोटा जो लगभग 0 के बराबर हो गया, तो जब लगभग 0 के बराबर हो गया तो वैल्यू जो आपको मिला ना
आप इतना छोटा रखें कि आपको इतना बड़ा वैल्यू मिल गया, मतलब जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यही नॉट डिफाइंड है। तो टेन में देखिए एंगल बड़ा किए तो वैल्यू जीरो से बड़ा 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 आई का होगा कि बहुत बड़ा हो गया। तो टेन में भी सिंपल, टेन में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, बस यही समझना है, बात विशेष कुछ नहीं है, समझे ना। तब हम लिख देते हैं कि कब वैल्यू बढ़ेगा और कब वैल्यू घटेगा। तो पहले एक बताइए ऑब्जेक्टिव, टेन दस है और टेन पंद्रह है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो एंगल टेन में कम है ज्यादा है, टेन में एंगल ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा है। तो देखिए अब इसको याद रखने का तरीका हम बता दे रहे हैं, कौन कौन सी से स्टार्ट होता है, कॉस सी से, कॉस कॉस एक कॉट, देखिए सी 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 ये होता है घटेगा डिक्रीज, याद रखिएगा कहीं नहीं बोलाइएगा डिक्रीज होगा। बच गया कौन कौन, टैन साइन और कौन बचा, टैन साइन है और कोई बच गया, कौन बच गया, सेक, हाँ सेक, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, इंक्रीज साइन टैन और सेक, अगर ये एंगल बढ़ाइएगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, और कॉस कॉसेक और कॉट इसको एंगल बढ़ाइएगा तो वैल्यू घटेगा। तो सिंपल समझिए, साइन अगर बढ़ रहा है तो साइन का उल्टा ना होता है कोसेक तो घटेगा, टैन अभी समझाए थे कि टैन अगर बढ़ रहा है तो टैन के उल्टा ना होता है कॉट, तो कॉट घटेगा, और जब साइन बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, और जब कॉस घटेगा तो उसका उल्टा सेक बढ़ेगा। तो जैसे आपको याद करना है अपना याद कर लीजिए, तो सी वाला जो होता है ना ये एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा बट 90 तक ही, और इस सबका वैल्यू बढ़ेगा एंगल भी, मतलब एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा। तो चलिए अब आज का वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो में जो समझाए हैं उसको समझ लीजिएगा, है ना। तो चलिए कुछ अब बताइए, टेन सेक 25 है और सेक 67 है, कौन बड़ा है? देखिए यहाँ एंगल 25 है और यहाँ एंगल 67 है, ध्यान दीजिएगा ये 90 तक ही, 90 के बाद सब चेंज हो जाएगा। यहाँ सेक है ना, तो पहले पता कीजिए सेक में बढ़ता है कि घटता है, तो सेक में एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ता है, तो एंगल ज़्यादा तो वैल्यू भी ज़्यादा, तो वो होगा कुछ उल्टा पुल्टा रहेगा, सर साइन 20 है और कॉस 17 है ऐसे रहेगा, थोड़ा सा समझिए। तो साइन है कॉस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला बताए थे ना, तो इसको दोनों को या तो साइन बना लीजिए या दोनों को कॉस बना लीजिए। तो यहाँ साइन साइन 20 को हम बना लिए कॉस 80 और इसको छोड़ दिए कॉस 17, साइन 20 को बदलिएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री से तो कॉस 80 होगा। देखिए अब कॉस घटता है तो 80 ज़्यादा है ना, तो ये छोटा होगा, 17 छोटा है तो कॉस में एंगल छोटा होता है तो वैल्यू बड़ा होता है, तो देखिए दोनों कॉस हो गया। अब ये ध्यान दीजिए साइन 10 है, इधर 10 20 पूछ दिया गया, तो यहाँ साइन है और यहाँ 10 है, तो इसको नहीं बताया जा सकता, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा भी नहीं, कहीं मिलेगा भी नहीं, मिले तो हमको भेजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक तरफ साइन हो एक तरफ टेन हो, ये बनेगा ताकि दोनों तरफ से हम लोग साइन में बदल सकते हैं ना, दोनों को कॉस में बदल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के थ्रू। तो जिसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के थ्रू बदला जा सकता है उसमें कंपैरिजन पूछ सकता है, बट साइन और टेन का नहीं पूछेगा, है ना। तो समझ लीजिएगा, इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए सोच के कब होगा कब ना होगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में हम इसको ज्योमेट्रिकली बताएंगे सबको, 30 60 45 का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए ठीक है।